हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोलिक क्लच और ब्रेक सेट के बारे में, जिसको मैंने अपनी बाइक में लगाया हुआ है। क्लच और ब्रेक दोनों ऑयल प्रेशर पे वर्क करते हैं और ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो आप इसको अपनी किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी न्यू प्रोडक्ट अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये फ्रंट ब्रेक का सेट है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से रेड कलर का, और ये डिस्क ब्रेक पे वर्क करता है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक का सिस्टम जो रहता है वो ऑयल प्रेशर से ही चलता है। लेकिन ये क्लच वाला सेट है दोस्तों, जो कि वायर वाला रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है ऑयल प्रेशर मतलब हाइड्रोलिक वाले में। इंजन की तरफ एक छोटी सी यूनिट लगी हुई है क्लच वाले पोर्शन में, जो कि क्लच को खींचने का काम करती है। इसको क्लच पुलर मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। यहाँ पर ऑयल की लाइन लगी हुई है, इस लाइन में प्रेशर जनरेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो क्लच है वो खींचता है और वापस रिलीज होता है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लीवर लगा हुआ है, जो कि ऑयल प्रेशर को जनरेट करता है। यहाँ पर आप ऑयल का कंटेनर देख सकते हैं, और ऑयल लीवर को जैसे ही हम दबाते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है, जैसा कि हमारी बाइक की डिस्क ब्रेक में होता है। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, आप इसको अपनी किसी भी बाइक में लगा सकते हो। ये रेड कलर का सेट है, जिसको मैंने अपनी बाइक में लगाया हुआ है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये है दोस्तों फ्रंट डिस्क ब्रेक, जो कि ऑयल प्रेशर से ही चलता है। तो सेट आएगा तो आपको रिप्लेस कर देना है। और ये फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला है, यहाँ पर आप फ्रंट ब्रेक का लीवर देख सकते हैं। और ये है क्लच, तो यहाँ पर क्लच आपको प्रेशर वाला मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपने हैंडल बार पे इस सेट को लगा देना है और इसमें ऑयल की लाइन कनेक्ट कर देना है। ये वही वाली ऑयल की लाइन है जो कि डिस्क ब्रेक में यूज़ होती है। ऑयल की लाइन होते हुए जाएगी जहाँ से आपका वायर आता है और नीचे तक ये लाइन आएगी, और नीचे क्लच पुलर मास्टर सिलेंडर में ये लग जाएगी, और इस तरह से आपका जो क्लच है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये सारा सिस्टम जो है दोस्तों वो ऑयल प्रेशर पे चलता है, तो जितना भी आपका क्लच हार्ड है या फिर क्लच वर्क नहीं करता, ये सारी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। हल्के से ही दबाने पे आपका क्लच एकदम स्मूथ तरह से वर्क करेगा, क्योंकि ये ऑयल प्रेशर से चलता है। सारा प्रेशर या फिर सारा जो खिंचाव रहता है वो सारा ऑयल पे आ जाता है। इस तरह का जो क्लच सिस्टम रहता है, जो कि ऑयल प्रेशर से चलता है, ये आपको हाई सीसी सुपर बाइक में मिलता है। उसके क्लच को स्मूथ बनाने के लिए उसमें इस तरह के स्पेशल क्लच सिस्टम को प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप भी अपनी बाइक में इस तरह का क्लच सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप परचेस करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो लीवर है दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसको किसी भी टाइम पर एडजस्ट कर सकते हो अपने राइडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको 6 एडजस्टिंग के ऑप्शन मिलते हैं, तो इस तरह से आप इसको लेवल अप कर सकते हो। ये आपको स्विच मिलता है, तो आप इसको किसी भी लेवल पर कर सकते हो। किस तरह से ये एडजस्ट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो लीवर रहता है वो पास आता है और दूर जाता है, तो आप इसको राइडिंग के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा आपकी बाइक चलाता है तो भी वो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकेगा। तो क्लच में तो आपको 6 एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल ही जाते हैं, साथ ही में इसका जो अपोजिट रहेगा ब्रेक वाला, उसमें भी आपको 6 एडजस्टिंग के ऑप्शन मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी नंबरिंग देख सकते हैं। और ये जो सेट है दोस्तों, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है बाइक को, हाइड्रोलिक क्लच और हाइड्रोलिक ब्रेक का जो सेट आता है। और यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, तो आप अपनी किसी भी तरह की बाइक में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये रहा दोस्तों इसकी एडजस्टिंग का 6 लेवल, तो इसको लगाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको ओपन करके हैंडल बार पर लगाना है, एकदम ईजी इंस्टॉलेशन है। और इसको आपको लॉक खोलना है और यहाँ पर ऑयल फिल कर देना है, और यहाँ से आपको डिस्क ब्रेक की जो लाइन है उसको कनेक्ट करना है, जिससे ऑयल फ्लो हो सके, प्रेशर जनरेट हो सके। लीवर को आप प्रेस करेंगे ऑयल फिल करके, तो बबल्स आएंगे और उसके बाद जो है प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और आपका जो ब्रेक है हाइड्रोलिक वाला मतलब डिस्क ब्रेक है, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आप उसको करने के बाद चेक कर लें। और जो क्लच वाला सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह उसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसको हैंडल बार पर लगाना है, ये दोनों आप खोलेंगे और हैंडल बार पर लग जाएगा। लीवर को दबाएंगे तो इसमें प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये कैप ओपन करके यहाँ पर ऑयल फिल करना है। इसमें मैंने दोस्तों 0.4 ऑयल फिल किया है हैंडल बार पे। इस तरह से आप इसको एडजस्ट करके टाइट कर लें, तो दोनों को एकदम सेम तरह से लगाना है। सेम तरीके से आप इसको लगा लें, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जो मास्टर सिलेंडर की यूनिट आती है वो भी आपको मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको सिर्फ अपने क्लच वाले पोर्शन में एडजस्ट करना है, उसको लगाना है, और आपका जो वर्क है वो पूरा हो जाएगा। और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, किसी तरह का क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।